दोस्तों, आईसीसी विश्व कप 2019 की शुरुआत होने जा रही है। इस बार यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता इंग्लैंड एंड वेल्स में खेली जानी है, जिसमें विश्व की 10 श्रेष्ठ टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं। मेजबान इंग्लैंड इस बार प्रबल दावेदार नजर आ रहा है। टीम के पास प्रत्येक विभाग में श्रेष्ठ खिलाड़ी मौजूद हैं। इसके अलावा इंग्लिश टीम अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी। इंग्लैंड के विश्व कप के लिए चयनित 15 खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा विविधता देखने को मिल रही है। टीम में ऐसे 5 खिलाड़ी हैं जिनका जन्म दूसरे देश में हुआ है। सबसे रोचक बात तो यह है कि टीम का कप्तानी दूसरे देश का है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको इंग्लैंड की टीम में शामिल 5 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिनका जन्म दूसरे देशों में हुआ है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। इयान मॉर्गन। गौरतलब है कि इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन आयरलैंड से संबंध रखते हैं और इससे पहले वह आयरलैंड के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके हैं। जोफ्रा आर्चर। इस बार जोफ्रा आर्चर सबसे ज़्यादा चर्चित खिलाड़ी हैं। उनका जन्म ब्रिज टाउन बारबाडोस में हुआ है। इससे पहले आर्चर वेस्टइंडीज की अंडर 19 टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हाल ही में वह नियमों के तहत इंग्लैंड की टीम से खेलने के लिए योग्य हुए हैं। बेन स्टोक्स। टीम के दूसरे ऑलराउंडर बेन स्टोक्स का जन्म क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में हुआ है। 12 साल की उम्र में स्टोक्स अपने परिवार के साथ इंग्लैंड आकर बस गए थे। स्टोक्स टीम के मुख्य ऑलराउंडर हैं। जेसन रॉय। जेसन रॉय का जन्म डरबन दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। 10 साल की उम्र में जेसन रॉय अपने परिवार के साथ इंग्लैंड आकर बस गए। दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज रॉय अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं। टॉम करन। युवा खिलाड़ी टॉम करन का जन्म कैपटाउन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। उनके पिता केविन करन जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, जबकि उनके दोनों भाई सैम करन और बेन करन इंग्लिश काउंटी में खेलते हैं। इसके अलावा सैम करन इंग्लिश टीम से अपना पदार्पण कर चुके हैं। दोस्तों, मोइन अली और आदिल लासिद का जन्म इंग्लैंड में ही हुआ है, इसलिए उन्हें इस श्रेणी में नहीं रखा है। हालांकि उनका परिवार पाकिस्तान से संबंध रखता है।